सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टैप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के बारे में। तो अगर मैं कभी भी सर्च इंजन का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में जो सबसे पहली इमेज बनकर आएगी ना, वो होगी गूगल की। और कई लोग सोचते हैं कि गूगल का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, या फिर गूगल से अच्छा कोई सर्च इंजन है ही नहीं। तो यहाँ पर शायद ये बात तो सही है कि गूगल से अच्छा कोई सर्च इंजन नहीं है, बट अगर बात आएगी कि गूगल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो ये चीज़ गलत है। गूगल के वैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, पर जिसकी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है DuckDuckGo। तो यहाँ पर हम बेसिकली DuckDuckGo की ही बात क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गूगल की, गूगल से लोग परेशान क्यों हैं। गूगल से परेशान होने का रीज़न है एक, और वो मात्र रीज़न है कि गूगल हमें हर जगह ट्रैक करता है, यानी वो उसकी नज़र हमारे ऊपर हमेशा रहती है। और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो गूगल हमारे पर लगातार नज़र बनाए रखता है, और इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि गूगल ऐसे ही हमसे पैसे बनाता है, क्योंकि गूगल का जो मेन अर्निंग का सोर्स होता है वो है एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट आएगी कहाँ से? जब जो एडवर्टाइज़र हैं वो गूगल को पैसे देंगे, और सही जगह पर गूगल क्या करता है, गूगल उन्हें सही डाटा प्रोवाइड कराता है कि हाँ मुझे यहाँ 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 पर एड पिच करनी है अपनी। तो यहाँ से गूगल पैसे कमाता है, और आप कह सकते हो बहुत बड़ा रेवेन्यू गूगल का यहीं से आता है। बट वहीं दूसरी तरफ इसका अपोजिट है पूरा DuckDuckGo। DuckDuckGo की जो टैगलाइन है वो यही है कि आपको सेफ रखना है, जो भी आप सर्च करोगे उसमें से कुछ भी DuckDuckGo, आप मतलब कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से लिंक वहाँ पर DuckDuckGo का नहीं होगा, वो आपको फॉलो नहीं करने वाला, वहाँ पर आप पूरी तरीके से सिक्योर हो। जब भी ये बात आती है एक सिक्योर ब्राउज़र की, या फिर आप कह लो सर्च इंजन की, तो लोग DuckDuckGo को ही DuckDuckGo की तरफ जाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने टॉर ब्राउज़र का नाम सुना होगा तो वहाँ पर भी अगर सर्च इंजन यूज़ होता है, वहाँ पर भी कौन सा सर्च इंजन यूज़ होता है? DuckDuckGo का ही सर्च इंजन यूज़ होता है। पर अब जैसे कि आपको पता ही है, हर चीज़ के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ नुकसान है DuckDuckGo के। जैसे अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, गूगल के सर्च टर्म्स की और फिर DuckDuckGo के, तो यहाँ पर आपको कहाँ पर ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, गूगल पे आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि गूगल को लोग यूज़ करने वाले कितने ज़्यादा लोग हैं, गूगल पे कितना ज़्यादा डाटा है उसके पास, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा उसका सर्च रिजल्ट होने वाला है। बट जब बात आएगी प्राइवेसी की, तो DuckDuckGo गूगल से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। इवन आपको पता होगा एक इनकॉग्निटो मोड होता है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी, आपको ट्रैक नहीं कर रहा होगा, बट ये गलत है। इनकॉग्निटो मोड में सिर्फ आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती, बाकी वहाँ पर भी गूगल को पता होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ DuckDuckGo ऐसा प्रॉमिस करता है कि इनकॉग्निटो मोड तो छोड़ ही दो, हम आपको आपके नॉर्मल मोड पे भी फॉलो नहीं करते, आप जो भी कर रहे हो वो आपकी पूरी प्राइवेसी है, वो आपका पूरा हक है, हम आपको कहीं पर भी फॉलो नहीं करते। तो जैसे गूगल अपने कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ आता है, उसी तरीके से DuckDuckGo भी अपने कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ आता है। जैसे अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के ए लिखोगे तो आपका अमेजोन ओपन हो जाएगा, और या फिर अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के वाई टी लिखोगे तो आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो ऐसे कुछ फीचर अपने साथ लेके आता है DuckDuckGo। और ये थी आज की हमारी वीडियो DuckDuckGo वर्सेस गूगल के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टाइम